अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुबी न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। रियासत में सनअत और तिजारती शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत पाबंद अहद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आईटी वज़ीर और बैरूनी कंपनी के नुमाइंदों के साथ मुनक्किद किया इजलास। बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में 8-10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी, रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने किया दावा। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और हुकूमती स्कीमात की अमलावारी में मसरूफ, हुकूमती स्कीमात से इस्तेफादा करने की आवाम से की अपील। डेढ़ साल लड़की के अगवा केस को बहादुरपुरा पुलिस ने अंदरून 5 घंटे यकसोई कर ली, DCP साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का मंगल के रोज़ दोपहर 2 बजे दिल्ली रवाना हुए, जहां वो ज़राए के मुताबिक शाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और मरकज़ की जानिब से तेलंगाना को फंड्स मंजूर करने और मरकज़ी हुकूमत के तेलंगाना में ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील करने के अलावा रियासत के किसी भी एक आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के सिलसिले में मुज़ाकरात किए गए। इसके अलावा मरकज़ और रियासत के दरमियान बेहतर ताल्लुकात को यकीनी बनाने का भी तयखुन दिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वज़ीर आईटी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, सेक्रेटरी महकमे सनत JS रंजन के अलावा फॉक्सकॉन कंपनी के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए ये वाज़े किया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना बिलखसूस ग्रेटर हैदराबाद में कंपनियों के क़याम के लिए हर तरह की सहूलत फराहम करेगी और रियासती हुकूमत मुल्क व बैरूनी ममालिक के सरमायाकारों का रियासत में सरमायाकारी करने पर उनका खैर मुकदम करेगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत का अहम मकसद IT शोबे को फ़रोग देना और नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करना है। सदर रियासती BJP और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बताया कि BJP असम्बली इंतखाबात में न सिर्फ 14% वोट्स जायद हासिल की है बल्कि 8 नशिस्तों पर भी कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की क़्यादत में तेलंगाना के तमाम 17 पार्लिमानी हल्के जात के बूथ सतह और मंडल सतह के कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए पार्टी की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। किशन रेड्डी ने कहा कि 27 दिसंबर को उनकी क़्यादत में हैदराबाद पार्लिमानी हलके के इंचार्ज के साथ इजलास मुनक़िद होगा। किशन रेड्डी ने दावा किया है कि 17 के मुजमला 8-10 नशिस्तों बशमुल हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त पर BJP का ताकतवर मौकूफ है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, स्टेट काउंसिल मेंबर्स, नेशनल काउंसिल मेंबर्स, पार्लमेंट कन्वीनर्स, पार्लमेंट इंचार्जिलु, राष्ट्र पदाधिकारुलु, मोर्चाला राष्ट्र पदाधिकारुलु, जातीय कार्यकर सभ्युलु, शासन सभ्युलु, पार्लमेंट सभ्युलु अंदरू कूडा ई विस्तृत स्थायी समावेशंलो पाल्गोंटारु। ई समावेशानिकि पार्टी सीनियर नायकुलु केंद्र होम मंत्री अमित शाह गारु, पार्टी जातीय प्रधान कार्यदर्शुलु तरुण चुग गारु, सुनील बंसल गारु, बंडि संजय गारु, OBC जातीय मोर्चा अध्यक्षुलु डाक्टर लक्ष्मण गारु,
విధంగా రాష్ట్ర పార్టీ వ్యవహారాల ఇన్చార్జీలు అందరూ కూడా పాల్గొంటారు ఈ సమావేశం बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में पार्टी के मौजूदा 9 नशिस्तों के अलावा मजीद नशिस्तों पर बीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी को मुमकिन बनाने के सिलसिले में शबो रोज़ पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चेवड़ला पार्लियामानी हलके से रंजीत रेड्डी और ज़िले खम्मम से एन नागेश्वर राव को दोबारा टिकट फराहम करने का मनसूबा बनाने के साथ साथ विनोद कुमार को करीमनगर और साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ को मलकाजगिरी हलके से उम्मीदवार बनाने का केटीआर ने फैसला किया है। वाज़ेह है कि सदर बीआरएस और साबिक वज़ीरे आला केसीआर की सेहत नासाज होने की वजह से केटी रामाराव सरगर्म हैं। तेलंगाना हुकूमत ने व्हीकल्स के मुख्तलिफ चालानात में कमी करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने जियो जारी कर दिया। जियो के मुताबिक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए 80% डिस्काउंट दिया गया है और सिर्फ 20% चालान अदा करने की सहूलत दी गई है। इसी तर्ज पर मोटर कारों के लिए 40% और हैवी ट्रक्स के लिए 60% की छूट दी जा रही है। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वे इस ऐलान से फ़ायदा उठाएँ और ई चालान ऑनलाइन अदा करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में तरक्याती काम और हुकूमती स्कीमात की अमल आवारी के अलावा अवामी भलाई कामों के लिए इकदाम में मसरूफ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हलके कारवान कौसर मुहिद्दीन ने हलके की आवाम से अपील की है कि वह तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 28 दिसंबर से मुनक़िद होने वाले प्रजा पालना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुख्तलिफ हुकूमती स्कीमात से इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि कारवान हलके में मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़ वार्ड ऑफिस में दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। के मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कराकर और जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत किया और जमात को मजबूत किया, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम हजरात का फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मैं आप तमाम से ये बताना चाह रहा हूँ कि 28 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो गवर्नमेंट तेलंगाना की जानिब से जो स्कीमात को लाया गया और उन स्कीमात के अंदर सबसे पहले राशन कार्ड के ताल्लुक से नए राशन कार्ड और उसी तरीके से पिछले कई राशन कार्ड रहने के बावजूद 3 महीने राशन ना लेने पर उन हजरात के राशन कार्ड को कैंसिल किया गया, उनके राशन कार्ड को दोबारा रिन्यूअल करने के लिए आप तमाम को हलके कारवान के बल्दिया के जो वार्ड्स है उन वार्ड्स पर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नोडल ऑफिसर्स तमाम हजरात दरख्वास्त नए दरख्वास्त के फॉर्म्स को लेकर रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हलके कारवान के तमाम मेरी पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें मेरे साथी नौजवान हजरात बुज़ुर्ग हजरात से गुजारिश करता हूँ कि हलके कारवान में मुख्तलिफ जगह पर जो गवर्नमेंट के GHMC के जो बल्दिया के वार्ड्स है जैसा कि टोली चौकी मेराज कॉलोनी के पास बल्दिया का वार्ड है वहाँ पर भी रहेंगे 28 तारीख के दिन से 6 तारीख तक। और उसके बाद अकबरपुरे के अंदर जो बल्दिया का वार्ड ऑफिस है उसके बाद गोलकुंडा का बल्दिया का वार्ड ऑफिस और उसी तरीके से लंगर हाउस के अंदर प्रताप टाकिस के बैक साइड में पिछले हिस्से में
जो बल्दिया का वार्ड ऑफिस है, और उसी तरीके से जो कारवान चमन के पास में दूध खाने के पास जो बल्दिया का वार्ड ऑफिस है वहाँ पर भी रहेंगे। उसी तरीके से जिया गुड़ा जो 2 BHK नए बने गए वहाँ पर बल्दिया का वार्ड ऑफिस है, और उसी तरीके से ख़ास तौर से जो गुड्डी मलकापुर का जो पार्ट हल्के कारवान को आता है, जो ताला गड्ढा गुड्डी मलकापुर साई बाबा टेम्पल के सामने जो बल्दिया का वार्ड ऑफिस है वहाँ पर भी इन तमाम ऑफिसर्स जो स्कीमात को लाया गया उन तमाम ऑफिसर्स वहाँ पर आपको फॉर्म दिया जाएगा। उन फॉर्म को फिलअप कर कर वो स्कीमात के ज़रिए वहाँ पर जो भी आपको स्कीमात है वो स्कीमात का फ़ायदा हासिल करिए। और जो स्कीमात है सबसे पहले जो RTC के अंदर ख़वातीन के लिए फ्री, और ख़ास तौर से गैस के फार्म्स हो, इंद्रमा स्कीम जो है जिसके पास पुराना बोसीदा मकान है उन तमाम के लिए 5 लाख का भी ऐलान किया गया गवर्नमेंट की जानिब से इंद्रमा इल्लू के ज़रिए। वो नजरात भी तमाम हजरात जिसको भी जो 5-6 स्कीमात है वहाँ पर अपना फॉर्म लेकर वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर कर दाखिल करिए, और आपकी मदद के लिए आपकी सहूलत के लिए मजलिस इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन के हल्के कारवान के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स ज़िम्मेदारान मजलिस और मैं ख़ुद इन तमाम बल्दिया के वार्ड ऑफिस पर हर घंटे घंटे को हर बस्ती के अंदर मैं ख़ुद आपके दरमियान में रहूँगा। आपको कोई कन्फ्यूज़न है या मुझको फ़ोन कर कर या मैं आपके दरमियान में जब भी रहूँगा आप मुझको बताइए, इंशाल्लाह आपके जो भी प्रॉब्लम रहेंगे इंशाल्लाह उन तमाम इस स्कीम के ताल्लुक से जो कन्फ्यूज़न रहेगा इंशाल्लाह आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने होगा। और इसी तरीके से हल्के कारवान मजलिस के हमारे कारपोरेटर्स आपके दरमियान में और उसी वार्ड ऑफिस पर रहेंगे, इंशाल्लाह आपको मदद करने के लिए आपकी सहूलत के लिए आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारे इंद्रमा इल्लू के ज़रिए। वो नजरात भी तमाम हजरात जिसको भी जो 5-6 स्कीमात है वहाँ पर अपना फॉर्म लेकर वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर कर दाखिल करिए, और आपकी मदद के लिए आपकी सहूलत के लिए मजलिस इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन के हल्के कारवान के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स ज़िम्मेदारान मजलिस और मैं ख़ुद इन तमाम बल्दिया के वार्ड ऑफिस पर हर घंटे घंटे को हर बस्ती के अंदर मैं ख़ुद आपके दरमियान में रहूँगा। आपको कोई कन्फ्यूज़न है या मुझको फ़ोन कर कर या मैं आपके दरमियान में जब भी रहूँगा आप मुझको बताइए, इंशाल्लाह आपके जो भी प्रॉब्लम रहेंगे इंशाल्लाह उन तमाम इस स्कीम के ताल्लुक से जो कन्फ्यूज़न रहेगा इंशाल्लाह आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने होगा। और उसी तरीके से हल्के कारवान मजलिस के हमारे कारपोरेटर्स आपके दरमियान में और उसी वार्ड ऑफिस पर रहेंगे, इंशाल्लाह आपको मदद करने के लिए आपकी सहूलत के लिए आपकी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों और हुकूमती स्कीमात की अमल आवारी के अलावा अवामी भलाई कामों के लिए इकदाम में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मोबीन ने किशनबाग डिवीज़न के इलाके जात का पैदल दौरा किया और शालीमार कॉलोनी में नए ट्रांसफार्मर की तंसीब भी अमल में लाई। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मोबीन के हमराह महकमे बरखी के अहदेदारों और मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगरम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई।
बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में वीजे के रकमी लेन देन के मामले में एक शख्स पर मुबैना खातिलाना हमला करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद हफीज को फिजा होटल के पास तलब करते हुए मुनीर बाबा ने मोहलिक हथियार से हमला कर दिया। हफीज को जख्मी हालत में उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हफीज की अहलिया ने बताया कि बातचीत के दौरान उनके शौहर पर हमला किया गया। पुलिस ने वाकये के फौरी बाद मुनीर बाबा का ताकुब शुरू किया और बिलाखिर उसे बहादुरपुरे के हदूद में गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है जबकि मजीद तहकीकात जारी है। आरिफा बेगम, मैं मोहम्मद हफीज की अहलिया बात कर रही हूँ। उनके दुश्मना तो है कि बाहर से आए कहते दुबई से उनके पैसे देना है, थोड़े बहुत दिए पैसे थोड़े देने का था। उन्होंने जैसे कि आके ऐसा बुलाए, गालियाँ दे के गुफ्ता दे के बुला के ऐसे हरकत करे, शाम की नमाज के बाद बुलाए, बुला के गालियाँ दे के क्या करे, उन्होंने ऐसा हरकत करे, उन्होंने सामने से वार नहीं करके पीछे से वार करके चले गए। ये नाम नहीं मालूम के उनका कहाँ पे बुलाए थे मालूम है कुछ? बहादुरपुरा बहादुरपुरा पे मिला थे, पिज्जा होटल के पास बुला के पैसे देना था। जो कुछ वीजे के लिए बाहर बुलाए थे, बाहर गए थे ना, उस वजह से इन लोगों जो सके बातचीत में गालियां। आपके हस्बैंड क्या काम करते? उन्होंने वीजे निकालते ऐसी के कहां पर? दुबई के वीजे ऐसा निकालते हैं उन्होंने, तो इन लोग मिले, मिलके ऐसा बातचीत हुई। जाते वक्त में अच्छी बात कर, उन लोगों की वीडियो भी है फोन में उनके, लगा मार मतलब बातचीत अच्छी करके चले गए, लगा चले गए। फिर आए बाद उन्होंने क्या हुई कि बातचीत इन्होंने गालियां करके गालियां वालियां दिए, इन्होंने चले गए हड़ाहुड़ी में सामने वाले। आए आपके पास घर पे भी आए थे? घर पे नहीं आए, फोन पे रिकॉर्ड है, फोन में पूरे उनके रिकॉर्डिंग है उनके फोन में, फोन भी नहीं मिल रहा उनका, फोन भी ऑटो में छूट गया उनका, मार के चले गए उनके। क्या है ज्यादा जख्मी हुए? हाँ ज्यादा, बस सीरियस है उन्होंने। गर्लफ्रेंड ने अपने साबिका बॉयफ्रेंड से बदला लेने की गरज से उसकी गाड़ी में गांजा डालते हुए पुलिस को मुतल्ला किया, जिसके बाद नौजवान की गाड़ी की तनखी की गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पता लगाया कि लड़के की गर्लफ्रेंड ने उसे फंसाने के लिए ये काम किया था। फौरी तौर पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए गर्लफ्रेंड और उसके सात साथियों को हिरासत में लिया और 40 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। बहादुरपुरा पुलिस ने एक मासूम लड़की के अगवा में मुलविस दो खवातीन को हिरासत में लिया और लड़की को अंदरून 5 घंटे आज़ाद भी करवा लिया। DCP साजों साई चेतनी IPS ने मीडिया को बताया कि 1.5 साल लड़की की अगवा की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने अंदरून 5 घंटे इस केस की यकसोई की और लड़की को आज़ाद करवाया। इस केस के सिलसिले में उन्होंने मीडिया को तफसील भी बताई। कल एक किडनैप केस को सक्सेसफुली बहादुरपुरा पुलिस ने ट्रेस किया। कल अराउंड 3 o'clock का शाम, दोपहर का 3 बजे के आसपास किशनबाग पार्क से एक 1.5 साल की बच्ची को किडनैप किया गया और हमारा जैसे कंप्लेंट आया तकरीबन 7 बजे के आसपास कंप्लेंट आया, तो पूरा टीम्स बन के टोटल 4 टीम्स बना के 3 टीम्स बना के पूरा 100 से ज़्यादा CCTV कैमरा चेक करके हम लोग उनको ट्रेस करके जो किडनैप किया और जो बच्ची को दोनों को विदिन 5 घंटे के अंदर ही हम लोग उनको बच्ची को सेव कर पाया एंड उनको पेरेंट्स को हैंड ओवर किया। डिटेल्स पे जाएंगे तो एक्चुअली कल शाम को 3 बजे के आसपास बच्ची का जो फैमिली है सभी लोग पार्क पे आए थे, किशनबाग पार्क पे,
तो जो टिकट्स खरीदने गए थे तो बच्ची बाहर उनसे ग्रुप से बाहर आ गए, तो अक्यूज जो है नसीम बेगम ये भी किशनबाग के रहने वाली महमूद नगर की, तो उनका जो बच्चों पे एक बेटी है आयशा बेगम सबसे बड़ी है जिनका कोई बच्चा नहीं है, तो ये जो विक्टिम बच्चे को चुरा के किडनैप करके बस आयशा बेगम को देने का प्लान पे था, और वैसे ही वो कल ये जो विक्टिम को पास कोई नहीं था तो देख के वो 1.5 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया नसीम बेगम ने, और गलियों से फिरते हुए अपने जो बड़ी बेटी है आयशा बेगम को देने के लिए गए थे, आयशा बेगम को हैंडओवर भी किया था। तो ये सारी कोई ये इल इंटेंशन जो छोटी बच्ची जो बोल नहीं पा रही है उसको किडनैप करना और किडनैप करके कोई दूसरे को देना, पूरा एक प्रॉपर किडनैपिंग का हिस्सा बनते। तो हमारा जैसे कंप्लेंट आया तो तुरंत हमारा टीम सारी बहादुरपुरा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि टीम डिवाइड करके हर एक सीसी कैमरा जो किशनबाग पार्क से जा रहे थे और जिसके ऊपर डाउट थे सारी वेरीफाई करते हुए वो हम लोग इतना तक फॉलो किया कि कौन सी ऑटो पे चढ़ी कौन सी ऑटो पे उतरी वहाँ तक हम लोग फॉलो करते हुए उनका घर तक पहुँचे, तो रास्ते में हम लोग उनको इंटरसेप्ट कर पाया। ये ताड़बन क्रॉस रोड्स पे उन लोग को वो ऑटो से उतरते हुए हम लोग फॉलो करते हुए गए तो उन लोग को पकड़ गया एंड बच्चे को तुरंत उनका पेरेंट्स के पास हम लोग पहुँचाया। ये सारी ऑपरेशन जो है ये सुधाकर ACP फलकनामा के ये सुपरविजन पे हुआ था, और इंस्पेक्टर श्रीशैलम DI बहादुरपुरा और SI श्रीकांत बिक्षम मल्ला रेड्डी नर्मदा सभी लोग मेहनत किया, और क्राइम टीम बहादुरपुरा का क्राइम टीम था और फलकनामा का कालापत्थर का क्राइम टीम सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किया, सभी लोग को हम बधाईबाद देता हूँ क्योंकि तो इतना अच्छा काम है। एक नाजायज एक छोटी बच्ची मासूम बच्ची को उन लोग ने रेस्क्यू करके फिर अपना माँ बाप के पास पहुँचा है, तो उसके लिए हम सभी लोगों को अप्रिसिएशन भी दे रहे हैं एंड साथ साथ कैश रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं। मीडिया का थ्रू सभी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जब भी बाहर जाते अपने छोटा बच्चे जो बोल नहीं सकते छोटे बच्चे जो भी जो बोल नहीं पाते उन लोग को खासतौर पर ज़्यादा ध्यान रखना है, सबको ऊपर ध्यान रखना बट जो छोटे बच्चों के ऊपर और खासतौर पर ध्यान रखना है क्योंकि तो वैसे कुछ कोई एंटी सोशल एलिमेंट हो सकते हैं जो पकड़ के लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आपके थ्रू सभी को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जब बाहर जा रहे तो खासतौर पर ध्यान रखें, और साथ साथ जब भी कोई आपको दिख रहा है कि ये एंटी सोशल एलिमेंट या कोई भी बंदा जो किडनैप करने का है या कोई और गलत तरीका का सोच रहा है या गलत तरीका करने की कोशिश कर रहा है आपके पास इंफॉर्मेशन है तुरंत हमको इंटीमेशन दे दीजिए। इनकेस आपको भी एक डाउट आ सकता है कि हाँ कभी आप भी जाते तो कभी कोई बच्चा कहीं गुम गया मिलते तो तुरंत प्लीज लोकल पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट कर लीजिए, इंफॉर्मेशन दे दीजिए, हम लोग चाइल्ड लाइन के हेल्प। शहर में लापरवाह ड्राइविंग की वजह से 2 इंसानी जिंदगियां ज़ाया हो गई। इंजन बोली के पास पीर की रात नामालूम गाड़ी ने एक शख्स को टक्कर देकर राह फरार अख्तियार की। इस हादसे में बीबी चश्मे का साकिन 38 साल ख्वाजा नामी शख्स जाँ बहक हो गया। बताया गया है कि महलूक अलमारी के कारखाने में मुलाजिमत किया करता था। आईनी शाहिदी ने बताया कि तेज़ रफ्तार कार ने बेकाबू होने के बाद ख्वाजा को टक्कर दे दी। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जबकि CCTV की मदद से हादसे की जिम्मेदार कार की तलाश जारी है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में हुए एक हादसे में नौजवान जाँ बहक हो गया। महलूक की शिनाख्त 24 साल अकबर मुहीद्दीन की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि पिलर नंबर 245 के पास नामालूम कार ने बाइक पर सवार अकबर को टक्कर दे दी। मुकाम वाक़े पर ही अकबर की मौत हो गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीक़ात जारी है।
तेलंगाना नारकोटिक ब्यूरो ने अल्पराज विलियम को मोहलिक ड्रग्स करार दिया है। नारकोटिक ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शिंडालिया ने बताया कि जिस्मानी नशोनुमा को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए और जो भी इसकी फरोख्त में मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिगार्डिंग दी सप्लाई ऑफ हार्ड ड्रग्स फ्रॉम गोवा एंड दी हार्ड ड्रग्स वुड बी MDMA, ecstasy, cocaine and opium and ganja resin. So we were able to identify one big supplier from Goa who is supplying to 25 people here in Hyderabad. Okay. So what happened is two people we got information, TS NAB along with the other intelligence agencies. We got information that two people, Ashik and Dudu Rajesh, they had procured some 60 pills at the rate of 1000 rupees per ecstasy pill from Goa. Okay, so we laid a trap for them and we caught them. कोगटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में एक केस के सिलसिले में मतलूब एक नौजवान ने पुलिस पर थर्ड डिग्री का इल्ज़ाम आयद किया है। प्रणीत नामी नौजवान ने बताया कि पुलिस ने उसे एक केस की तहकीकात के सिलसिले में तलब किया था और उस पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल किया गया। उसने ये भी कहा कि ज़ख्मी होने की वजह से उसे पहले कोंडापुर के सरकारी दवाखाने ले जाया गया था, बाद में उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। प्रणीत ने इंसाफ करने का आला अहदेदारों से मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। रियासत में सनत और तजारती शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत पाबंद अहद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने IT वजीर और बैरूनी कंपनी के नुमाइंदों के साथ मुनक़िद किया इजलास। BJP लोकसभा इंतखाबात में 8-10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी, रियासती सदर BJP किशन रेड्डी ने किया दावा। मजलिस अराकीन असेंबली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और हुकूमती स्कीमात की अमल आवारी में मसरूफ, हुकूमती स्कीमात से इस्तेफादा करने की आवाम से की अपील। डेढ़ साल लड़की के अगवा केस को बहादुरपुरा पुलिस ने अंदरून 5 घंटे यकसोई कर ली, DCP साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाजरीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।